क्या ऋषभ पंत खेलेंगे T20 विश्व कप? कोच राहुल द्रविड़ ने इशारों में ही कर दिया पक्का। ईशान किशन की टेंशन और भी बढ़ी। आइए दोस्तों आपको बताते हैं आखिर क्या कोच राहुल द्रविड़ ने ऋषभ पंत को लेकर T20 विश्व कप के लिए क्या कहा। भारतीय क्रिकेट टीम ने ICC T20 विश्व कप से पहले इस फॉर्मेट में अपनी आखिरी इंटरनेशनल सीरीज खेल ली है। अब टीम इंडिया के पास इस मेगा टूर्नामेंट में उतरने से पहले एक भी मैच नहीं होगा। भारतीय टीम T20 विश्व कप में कैसी होगी चयनकर्ता, इसको लेकर आखिर फैसला अब इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर लेंगे। इस लीग में तमाम युवा और सीनियर खिलाड़ी जो चोटिल है वो खेलने उतरेंगे। सबकी नजर हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत पर रहेगी। भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में 3-0 से मिली क्लीन स्वीप पर प्रसन्नता जताई है। कई युवा खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन से टीम को जून में होने वाले T20 विश्व कप के लिए कई विकल्प मिल गए हैं। भारत ने पिछले साल वनडे विश्व कप के बाद 11 T20 खेले। कुछ सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए और उनके जगह पर प्रबंधन ने जितेश शर्मा और शिवम दुबे जैसे युवा खिलाड़ियों को आजमाने का मौका मिला। भारतीय टीम ने ICC T20 विश्व कप से पहले अपनी एक संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार कर ली। ऑलराउंडर के तौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई सीरीज में हार्दिक पांड्या का विकल्प भारत को शिवम दुबे के तौर पर मिला है। विकेट कीपर के तौर पर भी भारत के पास काफी विकल्प है। इस वक्त ईशान किशन की राह मुश्किल नजर आ रही है क्योंकि कोच राहुल द्रविड़ ने कार एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत की वापसी की भी संकेत दिए हैं। राहुल द्रविड़ ने कहा कि विकेट कीपिंग में भारत के पास जितेश शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, KL राहुल और ऋषभ पंत है। ईशान किशन, KL राहुल और ऋषभ पंत के विकल्प है और कोच ने किसी के भी खेलने की संभावना से इनकार नहीं किया। देखना होगा कि अगले कुछ महीने में क्या स्थितियां रहती है और उसी के अनुसार फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि T20 विश्व कप में ऋषभ पंत खेलेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना।